बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ विशेष विषय पर बोल रहे थे एक्टर के, तब उन्होंने खड़े होके बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था, जो संसदीय गरिमा को गिराता है। और भिदुड़ी जी ने भी जो बोला वो भी संसदीय गरिमा को बहुत बुरी तरह गिराया है। वो शब्द को मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ये ऑफेंडर है दानिश अली। ये हमेशा प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो शब्द ही रिकॉर्डेड होगा, और ये बात के गवाह पार्लियामेंट में सब लोग हैं कि दानिश अली 5 साल से, 4.5 साल हो गए हमको सदन में, वो जब भी कोई भी बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है तो बहुत प्रोवोक करते हैं। उन्होंने सॉफ्ट टारगेट रमेश भिदुड़ी जी को बना दिया था, उनको पता था कि ये प्रोवोक हो जाएंगे, उनके ऊपर बहुत टाइम से प्रयास कर रहे थे और वो अपने प्रयास में सफल हो गए। बाहर जाके लोग बड़े हंस रहे थे कि आज हम लोग सफल हो गए, अब इस बात को हम लोग इसका मुद्दा बनाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं खुद दानिश अली के कमेंट का भोगी हूँ। उन्होंने अभद्र भाषा मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर की थी। उन्होंने 2 बार मुझ पर ये अटेम्प्ट किया था, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था पार्लियामेंट में। दानिश अली हमेशा प्रोवोक करते हैं हर सांसद को, हमेशा कुछ ना कुछ उनके वाहियात से बहुत अभद्र भाषा में, जो कि सदन की गरिमा को गिराने वाले शब्द होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं बहुत तीखे शब्दों के साथ, बहुत अभद्र भाषा में, बहुत ही गलत भाषा में, बहुत गंदी भाषा में। वो भी चेक करना चाहिए। रमेश भिदुड़ी जी पे अगर कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली जो कि सीरियल ऑफेंडर हैं, उनके भी 5 साल के पूरे कार्यकाल को सदन में उठा के उस रिकॉर्ड को भी चेक करना चाहिए। ये मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से, स्पीकर महोदय से ये निवेदन कर रहा हूँ, और मेरी चिट्ठी जो गई है, मेरा चिट्ठी जो आपके बोलने के बाद जा रही है, उसमें ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर भिदुड़ी सर पे भिदुड़ी जी पे ये कार्रवाई हो रही है तो दानिश अली जी के ऊपर भी देखा जाए कि वो किस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, उनके सारे फुटेजेस को निकाला जाए, कमेटी बिठाया जाए, और इस पर एक गहरी चिंतन होना चाहिए कि कोई प्रोवोक करे बार बार या हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री जी से लेके हम पर या निशिकांत दुबे भैया पर या बहुत सारे माननीय सीनियर सांसद हैं। एक सांसद 20-25 लाख लोगों के बीच चुनाव लड़ के, देखिए जो हुआ, रमेश भिदुड़ी जी माननीय सांसद भाजपा के, उन्होंने जो बोला, मैं उस वक्त मौजूद था पार्लियामेंट, वो बहुत दुखी था, जरा भी अनपार्लियामेंट्री शब्द किया जो कि नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि संसद की इमारत में, उस मंदिर में, सबसे बड़ी पंचायत में ऐसे शब्दों का यूज़ने में सांसद के बारे में कोई भी माननीय सांसद नहीं कोई टिप्पणी करना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है, वो जरा भी माफ़ी के काबिल नहीं। मैं जानता हूँ वो शब्द बहुत, जिसको हम लोग जरा भी, हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस शब्दों को बिलीव नहीं करते। मेरे बहुत सारे मुसलमान हीरो मित्र भी हैं, हम लोग कई सालों से सबके साथ काम करते हैं, और वो एक सम्मान के साथ चलते हैं, उस तहजीब के साथ कि इस देश को पढ़ाना है, हर जात हर धर्म के साथ पढ़ाना है। वो टिप्पणी इस तरह से किसी को पर्सनल अटैक जो रमेश भिदुड़ी जी ने दानिश और दानिश अली को किया, वो जरा भी अच्छा नहीं था। और उस शब्द के मैं उस सब शब्दों को और उनकी बातों को, स्टेटमेंट जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर रमेश भिदुड़ी जी पर, माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे, जब जनसंख्या बिल ला रहा था, और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा। लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं आपको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी होगी, मैं लेटर भी लिख रहा हूँ, और ज़रूर अगर उस शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट पर विश्वास करती है लोकसभा का, किसी को भी अधिकार नहीं है कि उस संसद में, उस मंदिर में, उस सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र की, उसको कोई भी जलील करे, उसको प्रवोक करे, गंदी या वाहियात भाषा का इस्तेमाल करे, पर्सनल अटैक करने का अधिकार
किसी भी माननीय सांसद को नहीं है। तो मैं चाहूंगा अगर रमेश भिदुड़ी जी पे कार्रवाई हो रही है तो जांच दानिश अली की भी जरूर होनी चाहिए। उनके 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, हर कोई जब भी भाजपा का बोलने के लिए खड़ा हुआ है, मंत्रीगण खड़े हुए हैं, तो उनकी भाषा क्या थी, उनके शब्द क्या थे, प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने क्या भाषा का इस्तेमाल किया, वो रिकॉर्ड भी चेक करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है लोकसभा स्पीकर जी से, जो कि हमारे सर्वे सर्वा हैं उस मंदिर में।